देखिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, मतलब इससे पहले हम लोग निकाले थे कि विद्युत द्विध्रुव के कारण है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग निकालते थे, तो उसमें दो कंडीशन था, एक अक्षीय स्थिति था एक्सियल और एक था निरक्षीय स्थिति, मतलब इक्वाटोरियल है ना, या फिर कह सकते हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। तो यहाँ पे ई कह रहा है कि अब अगर कोई बिंदु कहीं पे स्थित है, सपोज कीजिए किसी भी स्पेस पे कहीं पे किसी बिंदु पे, हमको नहीं पता है कि वो अक्षीय स्थिति पे कि निरक्षीय स्थिति पे, तब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का व्यंजक कैसे निकालेंगे, जरा समझिएगा, एकदम आसान है ना। देखिए सबसे पहले तो हम चार्ज लेंगे माइनस क्यू चार्ज और प्लस क्यू चार्ज, यहां पर समझ में आ गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा इसके बीच का दूरी हम लोग क्या मानते थे, कुछ भी मान सकते हैं 2a वगैरह है ना, इसके ठीक बीच में इसका मध्य बिंदु है जिसका हमने नाम कुछ दे दिया, वो दे दिया हुआ। अब हमको बताइए इसमें जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का जो डायरेक्शन होगा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का जो दिशा होगा वो माइनस से प्लस की तरफ जाएगा, मतलब इधर से यहां तक। तो हम इसको कह सकते हैं, इसका जो दिशा आया वो कहां तक आया, यहां से यहां तक आया, ये हम पी का डायरेक्शन बोल रही है, पी बोले तो पी का जो डायरेक्शन आएगा माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज की तरफ, इतना तो सबको क्लियर है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दिशा हमेशा हमेशा के लिए माइनस से कहा जाती है प्लस की तरफ जाती है। अब हम क्या किए, इस बिंदु से कुछ दूरी पे कहीं पे स्पेस में कुछ दूरी पे, किसी किसी किताब में आर दूरी लेता है, किसी किसी में एक्स दूरी लेता है ना, तो यहां से मान के चलिए कि आर डिस्टेंस पे एक बिंदु एन स्थित है, ठीक है, इसका डिस्टेंस कितना भाई आर डिस्टेंस है। अब इस बिंदु ओ से आर दूरी पे एक बिंदु एन स्थित है, इसका इसका जो एंगल है, एंगल भी कुछ होगा, इसका एंगल मान लिया जाएगी थीटा। ये जरा एंगल पे गौर करिएगा, ये एंगल कहां से लेते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा ये जो एंगल दिया जाता है वो हमेशा पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका डायरेक्शन है ना उसी से थीटा लेंगे हम, तो यानी कि ये एक तरह से देख रहे हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट बना रहा है, पोलर कोऑर्डिनेट बना रहा है ना, तो पोलर कोऑर्डिनेट आपको क्या मिल जाएगा भाई आर और थीटा, समझ रहे हो, यानी ये जो बिंदु स्थित है इसका कोऑर्डिनेट हम लिख सकते हैं आर थीटा, बोलो समझ में आया कि नहीं, ये बिंदु एम है इसका हम कोऑर्डिनेट लिख दे आर थीटा क्योंकि डिस्टेंस आर है, कोण क्या है थीटा। अच्छा ये कोण कहां से लेते हैं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता की दिशा के साथ हमेशा कोण बनेगा, जैसे आपके अगर एग्जाम में सवाल पूछ दे ऐसे करके, यहाँ पे माइनस दे दे, यहाँ पे प्लस क्यू दे दे है ना, और यहाँ पे आपको 60 डिग्री दे दिया, सपोज दैट ये 60 यहाँ पे दे दिया 120 सपोज यहाँ पे, और इसका कोई सा भी डिस्टेंस दे दिया 2 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 मीटर कुछ भी, तो ये थीटा दे देते, ये थीटा का वैल्यू नहीं है, थीटा का वैल्यू हम देखेंगे, पहले हम क्या देखेंगे कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन वो कहाँ है, देखिए तो डायरेक्शन यहाँ है ना, तो डायरेक्शन के साथ जो एंगल बनेगा वो एंगल यहाँ पे वैलिड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अच्छा कोई ऐसे दे दे, यहाँ पे दे दे 60 डिग्री नहीं होगा, यहाँ पे भी पॉइंट दे दिया है ना, तो क्या बताइए ये थीटा का वैल्यू है नहीं है, हमारा डायरेक्शन देखेंगे तो देखिए माइनस से प्लस माने हमारा इंटेंसिटी का दिशा इधर है, तो हमारा जो थीटा होगा वो कहां से कहां तक जाएगा भाई, ये वाला हमारा एंगल वैलिड होगा, इतना समझ में आ गया, तो थीटा कैसे लेते हैं समझ में आ गया। अब आगे बढ़िए, एकदम सिंपल है, अब आगे बढ़िए, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये जो थीटा है वो क्या है इंटेंसिटी की डायरेक्शन के साथ जो एंगल बना वो है ना, और आर इसका डिस्टेंस है। अब हमको क्या ज्ञात करना भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करना है इस बिंदु पे है ना, इस बिंदु एम पे, तो हम इसके पहले पढ़े कि अक्षीय स्थिति मिलेगा तो या फिर निरक्षीय स्थिति मिलेगा तब हम ज्ञात करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो यहाँ पे देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो पी हमको मिल रहा है विद्युत क्षेत्र तीव्रता इस बिंदु पे जो इसका ये केंद्र है, इस केंद्र पे जो डायरेक्शन हमको मिला है फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन मिला है, इसको कंपोनेंट में दो कंपोनेंट में तोड़ा जाएगा, कैसे, तो देखिए इस पी के हिसाब से देखिए इस बिंदु पे हम कंपोनेंट तोड़ते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा कि कोशिश कर रहे हैं कि इस बिंदु पे इस बिंदु को किसी स्थिति में लाए, या तो अक्षीय स्थिति में लाए या फिर निरक्षीय में लाए, तो देखिए इस हम पी को तोड़ रहे हैं, इस जो डायरेक्शन है इस पी को हम तोड़ रहे हैं, तो इससे हमको दो कंपोनेंट मिलेगा, ध्यान से समझिएगा, एक कंपोनेंट हमको इसके डायरेक्शन में मिल जाएगा जिसको हम
बोल सकते हैं पी कॉस थीटा, क्या बोलेंगे पी कॉस थीटा, एक कंपोनेंट टूटा। अच्छा दूसरा कंपोनेंट पहले का लंबवत होता है ना, परपेंडिकुलर होता है, तो इसी बिंदु पे क्या हो जाएगा इसके ठीक परपेंडिकुलर ठीक और कंपोनेंट होएंगे, मिले हमको पी साइन थीटा। अब आप पी भूल जाओ, पी से हमने दो कंपोनेंट तोड़ लिया, इससे हमको ये फायदा हुआ कि ये जो बिंदु है इस बिंदु पे जरा गौर करिएगा, ये बिंदु देखिए तो एक डाइपोल ये मिला पी कॉस थीटा, एक डाइपोल ये मिला पी साइन थीटा, तो देखिए पी कॉस थीटा के अक्षीय स्थिति में है ना, ये समझ रहे हो, इसके अक्ष में स्थिति है बिंदु, तो इससे हमको एक फायदा होगा अक्षीय स्थिति पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। अच्छा इसमें जो देखिए पी साइन थीटा पे जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है, अगर इस बिंदु पे प्लस है और यहाँ पे टेस्ट चार्ज है तो दूर की तरफ आएगा, सिंपल सी बात है, तो इसका जो डायरेक्शन आया इलेक्ट्रिक फील्ड का वो बाहर की तरफ गया, इसको हमने E1 बोल दिया। कोई दिक्कत यहां तक? किसके कारण? अक्षीय स्थिति के कारण है। किसका? पी कॉस थीटा का। यहां तक समझ में आ गया? अब हमको बताइए अगर हम अक्षीय स्थिति पे अगर हम अक्षीय तो यहां पे देखेंगे पहले अरे समझ लो देखो तो जो पॉइंट M है फॉर P cos थीटा, जरा समझिएगा P cos थीटा, M इज कौन सा एक्सियल पोजिशन एट एन एक्सियल पोजिशन, यहां तक समझ में आ गया, और फिर लिखेंगे फॉर किसके लिए बोलो P sin थीटा के लिए M कौन सी पोजिशन हो जाएगा भाई इक्वाटोरियल पोजिशन इक्वाटोरियल माने निरक्षीय स्थिति इक्वेटोरियल पोजीशन, तुम निरक्षीय स्थिति हो गया इसके सापेक्ष, अब आराम से निकाल सकते हो है ना, अब आराम से निकाल सकते हो। देखो तो हम क्या कर रहे हैं ई वन का वैल्यू निकाल रहे हैं, ई वन बराबर बोलो तो 2kp/r³ किसके लिए पी कॉस थीटा के लिए ना, पी कॉस थीटा के लिए ई वन मिला। अब इसी प्रकार तो एक हमको बात बताइए पी लिखा हुआ 2kp/r³, यहाँ पे पी लिया गया जी, यहाँ पे क्या लिया गया P cos थीटा लिया गया ना, अरे P का काम खत्म कर दिया हमने, तो यहाँ पे लिया हमने P cos थीटा, तो P की जगह खाली इसको cos थीटा कर दो, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब लिखेंगे फॉर किसके लिए बोलो फॉर P sin थीटा के लिए, sin थीटा P sin थीटा और P sin थीटा, तो E2 बराबर क्या मिलेगा बताओ 2kp sin थीटा। निरक्षीय स्थिति में क्या होता है लेकिन हमको E1 और E2 मिल गया। अब देखिए यहाँ पे E1 इधर गया, अब हम डायरेक्शन पे जरा गौर करिएगा, अक्षीय स्थिति में दिशा क्या होता है दूर जाता है उधर से, लेकिन जो निरक्षीय स्थिति होता था वहां पे जो डायरेक्शन होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वो बताइए कि जो डाइपोल मोमेंट है उसके डायरेक्शन की दिशा में होगा या फिर उसके विपरीत में होगा, याद कीजिए जो निरक्षीय स्थिति लिखे थे, देखो तो माइनस क्यू प्लस क्यू यहां से यहां तक गया, इस बिंदु पे ये निरक्षीय स्थिति था, यहां पे एक दिशा इधर आया था और एक ऊपर की तरफ गया था, तो जो इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था वो देखिए तो इसका डायरेक्शन इधर है ना, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन तो यहां था माइनस से प्लस, लेकिन हमको जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिला कुल विद्युत क्षेत्र मिला हमको वो क्या मिला इसके अपोजिट मिला ना, तो यहाँ पे भी देखेंगे ये डाइपोल इधर जा रहा है तो इसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाएगा, तो ये गया अपोजिट। किसी को कोई दिक्कत? अगर यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो आराम से, यहाँ तक अगर दिक्कत नहीं है तो देखिए कैसे सॉल्व होता है। अब तो ये क्या मिल गया भाई E2 मिल गया है। अच्छा आप बताइए इसका रिजल्टेंट कहां से जाएगा, इसके ठीक सीरीज से चला जाएगा। अब इसका रिजल्टेंट हम निकाल देंगे कि हमको क्या मिला भाई नेट, ठीक है ना। अब हमको नहीं पता है कि इसका एंगल क्या है, कुछ भी मान लो अल्फा मान लिया, सपोज दैट अल्फा निकालेंगे आगे अल्फा का वैल्यू क्या है, तो यहां पे लिखेंगे इसलिए ई नेट बराबर वेक्टर परे हो
इन दोनों का अगर रिजल्टेंट निकालते हैं तो क्या मिलता है, अंडर रूट बोलो तो, फिर ईवन का स्क्वायर प्लस ई2 का स्क्वायर प्लस ईवन ई2, हाँ 2e1 e2 cos थीटा। अब हमको बताइए e1 है e2 है, लिख देते हैं चलो, प्लस 2e1 e2 cos थीटा। अच्छा ये थीटा क्या है, दोनों के बीच की जो एंगल बना वो ना, तो यहाँ पे ई बना इसके और इसके बीच, अरे e1 e2 के बीच में, e1 और e2 के बीच में जो एंगल बना वो है, तो e1 और e2 के बीच में कितना का एंगल बना है, अरे 90 डिग्री बना यार, ये e2 है ये e1 है। वेक्टर में क्या कहता है, वेक्टर में कि इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा यहाँ पे आ जाएगा, वेक्टर में ही पढ़ा है, आ जाएगा e1 स्क्वायर प्लस e2 स्क्वायर प्लस 2e1 e2 cos थीटा, तो ये थीटा इनके बीच का एंगल, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा, तो आप बताइए cos में 90 का वैल्यू कितना होता है, 0, तो यहाँ से यहाँ तक जीरो नहीं हो जाएगा, तो सिर्फ हमें क्या मिलेगा e1 का स्क्वायर प्लस e2 का स्क्वायर, बस एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे, e-net बराबर अंडर रूट e1 का स्क्वायर प्लस e2 का स्क्वायर, यहाँ तक क्लियर, इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा, तो कुछ नहीं करेंगे, देखो तो e1 का वैल्यू यहाँ से रख देंगे, e2 का वैल्यू यहाँ से रख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें फाइनल मिल जाएगा, ये मिटाया जाए, संतोष मिटाए बना रहे हैं, अच्छा बना रहा है, चलो बहुत बना लिया, यहां पे जान दो, हम कहा निकाल रहे हैं ई नेट बराबर अंडर रूट e1 का स्क्वायर बोलो तो e2 का स्क्वायर, तो अरे e1 का वैल्यू बोल रहे हैं, बोलो संतोष बोल रहा है, बोल दे केपी, इसको मिटा देते हैं, केपी साइन थीटा बाई आर क्यूब और इसका होल स्क्वायर, किसी को सॉल्व कर लेना, क्या करिए, ठीक है, तो इसको क्या करें, रहने दे, रहने देते हैं, देखो यहां पर दोस्त इस दो इसमें दो नहीं, चलो के और पी कॉमन है, इधर भी है के और पी, आर क्यू भी है, तो सोचो कि क्या होगा जब बाहर निकलेगा, तो के स्क्वायर पी स्क्वायर है ना, और इस आर क्यूब का भी स्क्वायर बाहर निकलेगा, इधर भी के और पी का स्क्वायर और आर क्यूब का भी स्क्वायर बाहर निकलेगा, तो हम क्या करेंगे सबको रूट से बाहर निकाल दे रहे हैं, तो सीधे क्या मिल जाएगा हमको केपी बाई आर क्यूब, अरे जो इसका स्क्वायर होगा तो रूट कैसे खत्म हो जाएगा, इतना समझ में आ गया, अच्छा इसके बाद हमें क्या मिला, यहाँ पे देखो तो 4 मिला, 2 का स्क्वायर होता है, अब कॉस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, मिटाओ या इसको डिस्टर्ब कर, 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस इधर हमको मिला साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, इसके बाद बताओ केपी बाई आर क्यूब अंडर रूट, अब हमको बताइए तो इधर देखो 4 cos स्क्वायर थीटा, इधर साइन स्क्वायर थीटा सिर्फ एक बार, तो हम क्या कर रहे हैं कि इससे एक cos स्क्वायर थीटा को बाहर निकाल रहे हैं, तो हमारे पास क्या मिलेगा भाई, यहाँ पे बच जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा, अलग हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, समझ में आ रहा है, होता है इसका मान मालूम होता है लोगों को, तो देखो देखो क्या ऐसा समझ में आ रहा है जी, देखो तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आराम से लिख सकते हैं ना, इस चीज को प्लस से साइन स्क्वायर थीटा आइए, इसका मान मालूम होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का, बस बस सॉल्व हो गया जी, हमें क्या मिला, तो सर ऊपर वो है केपी बाई आर क्यूब क्या सेम तो ब्रो भाई, बस चार बार साइन इसके, अरे यहाँ पे चार बार है, यहाँ 4 cos स्क्वायर थीटा है, इनटू में है वो सबके इनटू में आता तो हो जाता है, केवल मतलब सॉल्व उसका ठीक है, यहाँ पे समझो ये cos स्क्वायर थीटा है ना, ये चार बार लिखा हुआ है यहाँ पे, समझा, तो हम क्या कर रहे हैं कि 3 बार इधर लिख दिया 1 बार इधर लिख दिया, समझ में आया, आ गया
पिटाएगा बहुत ज्यादा। इसका वैल्यू हम लिख दिए बोलो थ्री कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन, यहाँ तक समझ में आ गया ना। बस किताब में यही आंसर दे दिया, आप लिख सकते हो ई नेट बराबर इतना या फिर इसका वैल्यू रख दिया हो, यही ना किताब में आपके साथ वैल्यू रख दिया होगा। चलिए लिख दीजिए ई नेट बराबर बोलो तो संतोष के का वैल्यू क्या, के का वैल्यू बोलो, ये जो के है इसका मान कितना होता है? नहीं बहुत अच्छा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं इसको 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो इसमें आपकी किताब में दे दिया 1 बाई 4 पाई बोलो एप्सिलॉन नॉट पी बाई आर क्यूब अंडर रूट बोलो 3 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1, यही आपका फाइनल इक्वेशन है। अब आप इधर से कैसे भी सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात कर सकते हैं। एक चीज उस फिगर में और बताना था आपको कि जो अल्फा मिला था वो अल्फा का वैल्यू कितना आएगा, थीटा का वैल्यू कितना आएगा, है ना। तो पहले इतना लिख लो, फिर से फिगर को समझाएंगे और फिर से वो अल्फा का वैल्यू निकालेंगे। काट दीजिए।